ज्योतिष शास्त्र में कई परेशानी और समस्या से राहत पाने के लिए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में पुखराज रत्न के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो चलिए आज आपको पुखराज से जुड़ी हर एक जानकारी देने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। बता दें आपको, पुखराज पीले रंग का एक बेहद खूबसूरत रत्न है। इसे बृहस्पति ग्रह का रत्न माना जाता है। पुखराज की गुणवत्ता आकार, रंग और शुद्धता के आधार पर तय किया जाता है। पुखराज तकरीबन हर रंग में मौजूद होते हैं, लेकिन जातकों को अपनी राशि के अनुसार ही इन पुखराज रत्नों को धारण करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पुखराज के बारे में कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, उन्हें पीले रंग का पुखराज धारण करना चाहिए। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि पुखराज जो है वो सबसे ज्यादा शुभ किस राशि के लिए माना जाता है। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए पुखराज अत्यंत लाभकारी है। चलिए अब आपको पुखराज रत्न के फायदे भी बता देते हैं। पुखराज धारण करने से मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ये रत्न शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाता है। इस रत्न से जातकों के मन में धार्मिकता और सामाजिक कार्य में रुचि होने लगती है। विवाह में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती है। व्यापार में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको पीला पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। वहीं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जी हाँ, ज्योतिष मानते हैं कि जिन जातकों को सीने में दर्द, सांस, गला आदि के रोग हैं, उन्हें पुखराज धारण कर लेना चाहिए। वहीं अल्सर, गठिया, दस्त, टीबी, हृदय, घुटना और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी पुखराज का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि पुखराज के स्थान पर रत्न ज्योतिष जो है वो धीया, सुनहला या पीला हकीक पहनने की भी सलाह कभी कभी देते हैं। वहीं आपको विधिवत पुखराज धारण करना होगा। जी हाँ, हर रत्न को धारण करने की एक विधि होती है, तो जिस विधि के अनुसार आपको ज्योतिष जो है वो पुखराज धारण करनी सलाह दे, आप ठीक उसी विधि को अपना कर पुखराज को धारण करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।